कि हम लोगों ने पहले भी कहा है कि केंद्र की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है वो कहा यह है कि यह व्यवहारिक नहीं कि केंद्र की सरकार इसको कराए, क्योंकि इस बार की जनगणना ये हैंड हेल्ड डिवाइस या डिजिटल तरीके से होने वाली है और जनगणना की पूरी तैयारी 3 साल पहले प्रारंभ हो जाती है। उसका मैनुअल छप चुका है, उसका जो टाइम टेबल है वो बन चुका है, ट्रेनिंग का काम प्रारंभ हो चुका है और फिर इतने बड़े देश के अंदर जो अब पिछड़ी जातियां हैं, जब 2011 में आर्थिक जातीय जनगणना की गई थी तो 46 लाख जातियों की सूची मिली, 46 लाख, जबकि इस देश में मुश्किल से 7-8 हज़ार जातियाँ होंगी। इसलिए केंद्र ने कहा कि जनगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस अंतिम समय में और पिछड़े वर्गों की जनगणना करना केंद्र सरकार के लिए संभव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई राज्य कराना चाहे तो करा सकता है, जैसे तेलंगाना ने कराया है, कर्नाटक में जब सिद्धारमैया की सरकार थी उन्होंने कराया सर्वेक्षण। ये बात अलग है कि सिद्धारमैया की सरकार ने सर्वेक्षण कराया लेकिन आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई है। उड़ीसा की सरकार भी तैयारी कर रही है, तो अगर कोई राज्य सरकार अगर कराना चाहे तो स्वतंत्र है, लेकिन केंद्र ने अपनी असमर्थता जाहिर की है। और जो राजद के लोग कहते हैं कि एक कॉलम जोड़ देना है, ये केवल एक कॉलम जोड़ने का सवाल नहीं है, ये केवल एक कॉलम जोड़ने से नहीं होगा, क्योंकि ये डिजिटल तरीके से गणना की जाने वाली है। और जैसे अनुसूचित जाति जनजाति की गणना इसलिए होती है कि लोकसभा और विधानसभाओं में जो उनको आरक्षण मिला हुआ है वो आबादी के इसलिए उनका गणना करना आवश्यक है। तो इसीलिए अगर कोई राज्य सरकार चाहे कराना तो स्वतंत्र वो करा सकती है, लेकिन केंद्र ने कहा कि हम जनगणना के साथ अभी कराना हमारे लिए संभव नहीं है और यही एफिडेविट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।